सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला सहाबा की तारीफ में फरमाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ्फन कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उस जमात से बहुत मोहब्बत करता है कि जब वो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए सफ़े लगाते हैं तो ऐसे मजबूत खड़े होते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। सफ, सफ के नाम से पूरी सूरह है, यही सफ़े हैं। वो सहाबा की सफ़े कैसी थी जिनका जिक्र कुरान में आया। हाँ मेरे अजीज़ों, उनको चीर करके कोई जा नहीं सकता था, इतनी मजबूत सफ़े होती थीं। आप अंदाज़ा करो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो हुई है ना, वो मस्जिद नबवी में हुई। आप फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे, एक रकात पढ़ा चुके थे। अबू लूलू मजूसी ये आया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से, उसे बुग्ज़ थी, बुग्ज़ और अदावत थी, बुग्ज़ रखता था। तो उसने एक खंजर अपने जुब्बे में छुपा कर रखा था और पहली सफ़ में आकर खड़ा था। जब हज़रत उमर नमाज पढ़ा रहे थे, एक रकात हुई तो पीछे से उसने हमला किया। वो खंजर इतना सख्त था कि पीठ से सीने की तरफ बाहर है और हज़रत उमर मुसल्ले पर गिर गए। लेकिन मस्जिद नबवी में सहाबा सब नमाज पढ़ रहे हैं, ना नमाज तोड़े, ना भागो पकड़ो दौड़ो, कुछ नहीं। हज़रत उमर मुसल्ले पर रहे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो पीछे खड़े थे आगे बढ़ गए और एक रकात आपने पढ़ाई, किसी ने नमाज तोड़ी नहीं। वक्त का खलीफा जख्मी हुआ है लेकिन सहाबा की नमाज टूटी नहीं। आगे बढ़ करके हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक रकात और जो बची थी कंप्लीट करवाई सलाम फेरने के बाद। अरे कातिल जिसने खंजर मारा अबू लूलू, सारे सहाबा नमाज में हैं, वो तो कब के भाग जाता, लेकिन वो पहली सफ को भी क्रॉस नहीं कर सका। नमाज की पूरी हालत होने तक सहाबा की, वो भागने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा लेकिन किसी सहाबी की सफ तोड़ नहीं सका। वो कैसी सफ बनाते होंगे, ये सफ इतनी मजबूत कि वो कातिल उन सहाबा के बीच से सफ़ों को चीर के जा नहीं सका। और अल्लाह ने यूं ही नहीं फरमाया का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो ऐसे सफ़ लगाते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार है, कोई उनको क्रॉस करके जा नहीं सकता था। यहाँ आज हमारी हालत ऐसी ही है सफ़ों में, कोई वहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है। कुछ लोग तो ये सोचते होंगे उसके कपड़े पर धूल है, लगूँगा तो मुझे कपड़े पर धूल ना लग जाए। मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मस्जिद में जमात के लिए जो हुक्म फरमाया वो इसी फ़र्क को मिटाने के लिए कि गरीब और अमीर दोनों शाना बशाना खड़े रहें। सफ में इस बात का हमेशा एहतमाम करो कि तुम्हारा कंधा बाजू वाले के कंधे से लग जाए, कंधा, यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर नमाज में रकात बांधने से पहले हुजूर ये ऐलान करते थे, इस्तकीमु वस्तौ वअतदिलु, लोगों सीधे हो जाओ, सफ बराबर कर लो, ठीक ठीक खड़े हो जाओ। वसुद्दुल खलल, थोड़ी सी भी अगर जगह बाकी है तो पूरी कर लो, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते थे। ये सुन्नत है, सुन्नत है नमाज कायम करने से पहले, जमात से पहले इमाम का ये ऐलान करना कि अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ऐलान हुआ करता था, हदीस में मौजूद है, यहाँ तक कि एड़ी से एड़ी बराबर रखने को कहा गया है। यानी हो सकता है किसी का पंजा लंबा है, किसी का छोटा है, इसके लिए कहा गया है सफ लगाने के वक्त किस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, एड़ी से एड़ी बराबर, सामने के पंजों को ना देखो। एड़ी की हड्डी तुम्हारी एड़ी की हड्डी बाजू वाले की एड़ी की हड्डी के बराबर लगती जाए, ये इल्साक है। मेरे अजीज़ों, इसका एहतमाम आज कहाँ करते हैं। और हदीस में ये भी मिला कि जिसने सफ को तोड़ा अल्लाह उसे तोड़ देगा। सफ को काटना गुनाह है। हाँ, अगर इतनी जगह खाली रह गई कि एक आदमी आ सकता है और नहीं भरा आपने सफ, तो दोनों गुनहगार हैं, दोनों इधर वाले उधर वाले, और पीछे की सफ वाला भी गुनहगार है।
कि आगे उसने जगह देखा और फिर बढ़ करके सफ को मुकम्मल नहीं किया, वो भी गुनहगार है। अगर आगे की सफ में जगह खाली नजर आई तो पीछे वाले के लिए हुक्म है कि वह आगे आ जाए, सफ को पूरी करे, और जितनी सफ़ें पीछे जाएंगी सब आगे आगे आते हुए वो सफ़ों को पूरी करते जाएं। ये इस्लामी निज़ाम है मेरे अजीज़। मैं आपको इस सफ़ के मुतालिक एक अच्छी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। तवज्जो, एक एक बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, उन्होंने एक मगरिब ज़दा शख्स है यूरोप का या अमेरिका का, उससे पूछा कि आपकी जो वेल ट्रेन्ड फौज है, सोल्जर्स हैं, अमेरिका की है, दुनिया की सबसे मजबूत फौज मानी जाती है, आपके 10,000 फौज को अगर मैदान में जमा करने की बात आई तो कितनी देर लगेगी आपको उन फौजियों को तरतीब में लाने के लिए जो ट्रेन्ड है? तो उसने कहा कि हमको 10,000 फौज को लाने के लिए, जो सबसे सुपर फास्ट कंट्री है उसकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा 4-5 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, इतनी फौज, 10,000 फौज को तरतीब देने के लिए। और फिर अलग अलग कंट्रीज़ की बात किए कि यहाँ की फ़ौज इतनी जल्दी कर लेगी, वहाँ की फ़ौज इतनी जल्दी कर लेगी, लेकिन घंटा भर से पहले तो कोई भी तरतीब में नहीं आएगी। तो उस इस्लामी स्कॉलर ने कहा कि तुम्हारी तरबियत याफ्ता फौज मैदान में सफ लगाने पर आए तो इतने घंटे लग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बगैर तरबियत याफ्ता देहातों के रहने वाले भी हरम शरीफ में 1,00,000 से ज़्यादा की तादाद में हैं। इमाम इधर अल्लाहु अकबर कहने के लिए खड़ा होता है, 1 मिनट में सबकी सफ़ें दुरुस्त होती हैं। यह इस्लाम का निज़ाम है, यह इस्लाम का निज़ाम। मस्जिदों में कोई सफ़े लगाने के लिए नौकर रखे जाते हैं कि इधर आओ, इधर सही खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ। अगर यही किया जाए तो ज़ोर से असर हो जाएगी, असर से मगरिब हो जाएगी। हाँ, यहाँ किसी भी मस्जिद में क्या खादिम रखे जाते हैं सफ़ों को सही कराने के लिए, सबका चेक करके आओ सीधे खड़े हैं नहीं खड़े हैं? नहीं है। हम तो स्कूल में भी देखते रहे कि बचपन से सफ़े लगाने के लिए 1 हाथ के फासले पर खड़े हो जाओ, और टीचर्स चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं, सफ़े बनती नहीं है। लेकिन ये मस्जिदों का निज़ाम है, ये मेरा मौला तबारक व तआला ने इस्लाम को खसूसियत दी है कि हमारी सफ़े मिन जानिबिल्लाह बन जाया करती हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला हमारी सफ़ों को मजबूत अता फरमाए, हमारी सफ़ों में वहदत अता फरमाए। इस सफ़ की एक खसूसियत ये है कि मेरे अजीज़ों, जब शाने से शाना मिल गया है तो अल्लाह से दुआ करो कि हमारा दिल से दिल भी मिल जाए। हाँ, जब शाने से शाना मिल जाता है, अल्लाह सबके दिलों में भी इत्तेहाद अता फरमाए।